chill, garum garmi mein chill. Thoda bahut nahi mere bura garum kill. Garmi mein chill, garum garmi mein chill. Kahan ja rahi hai tu hill? Garmi badi hai bahar cause it's summer. Jaldi se aake bed in my hummer. तुझसे दूर क्यों जाऊंगा, तेरे पास मैं आऊंगा, मैं भी तेरा दीवाना हूँ, तू रुसेगी मना। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पा। अबे ओए, क्यूट लोगों की जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती है, बहुत नजर लगती है। अब मुझे ही देख लो, एक हफ्ते से बीमार हूँ। एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तलक वो जो मैं आउच आई एम सॉरी। अरे मेरे मैं तो गया रे, तू भी गया रे। अरे मेरे मैं तो गया रे। तो राजा कुछ बचपन की यादें हो जाए। बच्चों को कूटने के बाद चुप कराने के लिए बोले मिला बच्चा चुप हो जा चॉकलेट खा ले, और एक साले हम थे जिनको चुप कराने के लिए फिर से ठोका जाता था और कहते थे अरे तू चुप नहीं हो रहा क्या है, आवाज कैसे निकल रही थी। ओए तुझे पता है साले मेरी शादी हो रही है। हैं? दहेज में एक फ्रिज आएगा, ठंडा पानी ना पिलावा। हाँ एक बाइक आएगी, साले हमें ना घुमाएगा, 50-50 का तेल डलवा के घूमेंगे। एक बीवी आएगी, पप्पी ना दिलवाएगा। ये देखो, वाओ, ये तो फिर से करते हैं। कल मैं तुम्हारे घर गया था, मुझे नहीं लगता अब हमारी शादी होगी। क्यों, पापा से मिले क्या? नहीं, तुम्हारी बहन से, माल लगती है। बोर हो रहा हूँ यार, टिकटॉक की वीडियोस तो देख लेता हूँ। ये साला टिकटॉक है या अलकायदा बे, हर वीडियो में गोली चल रही है। Will you marry me? तुमसे शादी करूंगी मैं। No. एक दिन मैं भी तुम्हें मना करूंगा। भैया चलोगे? नहीं। एक सर्वे से पता चला दोस्तों कि एग्जाम हॉल में आपके पीछे बैठी हुई लड़की आपको कभी भैया कह के नहीं बुलाएगी। सच में मैं चिड़िया पाली उड़ गई, मैंने गिलहरी पाली वो भाग गए, फिर मैंने पेड़ लगाया गिलहरी और चिड़िया दोनों वापस आ गए। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं चिप्स लाया, मेरे दोस्त खा के चले गए। मैं नमकीन लाया, मेरे दोस्त खा के चले गए। फिर मैंने बियर ले आई, दोस्त नमकीन और बेफर दोनों लेके आ गए। सच में क्या हो गया आशिका? वीडियो दिखानी है। दिखाओ। वो मेरे को नहीं मालूम था एडिटिंग इतना किलर होएगा। अच्छा सुनना, ये वीडियो मैं डाल दूँ मेरे अकाउंट से प्लीज? नो। यार अशिका देख, तू तेरे अकाउंट से डालेगी तो मैं ज्यादा फेमस होऊंगा, मेरे अकाउंट से डालूंगा तो कम फेमस होऊंगा। दे दे अपना कॉन्सेप्ट फेमस करना
चाहती हूँ। ओह दैट्स रियली स्वीट, थैंक यू सो मच। तमाकू है क्या? आज मैं और मेरा दोस्त सब्जी लेने गए थे। मेरे दोस्त ने सब्जी वाले से कहा कि भैया एक लीटर टमाटर दे दो। मुझे और सब्जी वाले को हंसी आने लग गई। सब्जी वाले ने मुझसे कहा कि भैया आप क्यों हंस रहे हो? मैं इंटेलिजेंट बोला कि ये बोतल लाना तो भूल ही गया। सब्जी वाला बेहोश हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल रशीद मिफ्ताही। आज का वीडियो अजय बर्मन के लिए है। अजय बर्मन के मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए वीडियोस बनाता है, और ये बहुत अच्छी बात है। हम अजय बर्मन को सलाम करते हैं। अजय बर्मन जी, आपकी सोच और हमारी सोच एक ही है, और खास तौर से हिंदुस्तान में रहने वाले अक्सर हिंदू और अक्सर मुसलमान की सोच यही है कि हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे किसी जात और मजहब के हो, वो एक हैं और आपस में भाई भाई हैं। हमें मजहब के नाम पर और जात पात के नाम पर लड़कर और नफरत करके और गलत फहमियां पालकर देश को पीछे नहीं ले जाना है, बल्कि हमें मोहब्बत के साथ और गंगा जमनी तहजीब के साथ रहकर हमें आगे बढ़ना है। सबको अपनी अपनी जात मुबारक, सबको अपना अपना मजहब मुबारक, लेकिन हमें आपस में मोहब्बत रखनी है, आपस में भाईचारा रखना है। उमेर, अम्मी, उमेर, अम्मी इधर बेटा, पास आ जाओ अम्मी की जान। ना बेटा ना, ईद के दिन अच्छा देसी दारू मैंने पीनी, सौंफिया मैंने पीनी, संतरा मैंने पीनी, मकड़ावल आह पीनी, ओह मैंने पियोनी। क्या हुआ? बस पापा ऐसे ही, आप लोग मेरे लिए गाड़ी नहीं ले तो इसलिए मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं नहीं आऊंगा घर में। बेटा तू घर छोड़ के मत जा। अच्छा बता तू अभी कहाँ है? अभी मैं शर्मा जी के घर के पास हूँ। अच्छा बेटा एक काम कर, अभी तू शर्मा जी के घर के पास है ना, आते वक्त मेरे लिए एक बंडल बीड़ी लेते आना बेटा। क्या पापा मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, आप बीड़ी लाने की बात कर रहे हो? बेटा तू मेरा लौंडा है, तेरी औकात मुझे मालूम है, शाम तक तू आ ही जाएगा। चल रहा तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। अरे भैया कितनी गर्मी है रही है। अरे इतने तो मेरे माथे पे भी ना पसीने जितने भर के फेंके हैं इसके मुंह पे। क्या आफत आ गई तुम्हें? हिला तो मुझे पूरा, ज्यादा ही गर्मी लग रही तुम्हें कुछ? बेटा तापमान बढ़ गया बहुत और मुझे लग रही गर्मी फुल। तुम्हें गर्मी लग रही है? अरे क्यों हमारा पागल बना रहे हो? अरे जब तापमान इतना बढ़ रहा है तो हमें गर्मी ना लग सकती है? ये रिश्तेदार है हमारी गर्मी। तापमान बढ़ा है सिर्फ एसी वालों के लिए सर। क्यों भाई एसी वालों के लिए क्यों? अरे हाँ सर, एसी वालों के लिए बढ़ा है तापमान, वरना सीमा पर जवान और खेतों में किसान
और किचन में हमारी माँ बहन आज भी डटकर अपना काम कर रही है। अरे ट्रॉफी पड़ेगी कोई आज भी बोलिए लाना। सत्रह करोड़ की जींस लूंगा। भाई तुझे पता है अपने प्रिंसिपल की डेथ हो गई? हाँ पता है। तुझे कैसे पता? अरे मेरे सामने ही तो डूबे थे वो। अबे साले तो तूने उन्हें बचाया क्यों नहीं? मैं क्या करता, मैं तो देख के खुश हो गया। बकता बकता पूरी स्कूल में चिल्लाता हुआ गया, ओ कल छुट्टी है स्कूल की, कल छुट्टी है स्कूल की। बचाना ही भूल गया इस चक्कर में, एक्साइटमेंट ज्यादा हो गई थी। आओ एटीट्यूड कोई ना, वैसे इंसान अच्छा था पर छुट्टी बड़ी कम देता था। अरे हाँ एक शायरी उन्हें सुना यार। हेलो दोस्त, ये खूबसूरत शायरी अच्छा लगे तो लाइक और शेयर। अए खुदा तूने गुल को गुलशन में जगा दी, वाह 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 वाह। पानी को दरिया में जगा दी, वाह 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 वाह। उसे तू जन्नत में जगा देना जिसने मुझे 9 महीने अपने पेट में जगा दी। नजर न आए तो उसकी तलाश में रहना, नजर न आए तो उसकी तलाश में रहना, कहीं मिले तो पलट कर न देखना उसको। बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे कैसे नहीं नाचेगी, हम कुत्तों ने पैसे दिए। नवाज 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 मुझको राणा जी माफ कर देना।